सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली पार्क में आयोजित 7 दिवसीय श्री राम कथा के तीसरे दिन जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि मन को आनंद की अनुभूति नहीं होती, मन को केवल सुख और दुख की अनुभूति होती है। मन आनंद से अपरिचित है, मन आनंद से अनभिज्ञ है, मन को आनंद का पता नहीं होता। जैसे देह के केवल दो ही धर्म है, जन्म और मृत्यु। वाल्मीकि रामायण के आरंभ में राम के स्वभाव की चर्चा है, प्रभाव की नहीं। अगर आपका स्वभाव सही है तो लंबे समय तक वह दूसरों को प्रभावित करेगा। उन्होंने आगे कहा कि नारद ने व्यास को प्रेरणा दी। हमारी संस्कृति में पहले कोई प्रेरणा है तो वह है प्रणाम। हमारी संस्कृति में प्रणाम का बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने जीवन का उद्देश्य बताया कि आधी आयु नींद में चली जाती है, बचपन खेल में चला जाता है, तो वहीं आयु बहुत कम बची है। आपको बता दें कि 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन गुरुग्राम कल्चरल फाउंडेशन और प्रभु प्रेमी संघ द्वारा करवाया जा रहा है। वो नित्य है, जो सत्य है, जब वो प्रकाशित होता है, अभिव्यक्त होता है, तो उसे चित्त चाहिए। तो देखिए, एक शब्द है सत्य, फिर है चित्त, आनंद, सच्चिदानंद। हम सच्चिदानंद स्वरूप है, हम सत्य है, देह सत्य नहीं है। ये मिटती है, इसमें परिवर्तन है, विकार है, इसकी अनेक अवस्थाएं हैं। ये सत्य जब अभिव्यक्त होता है, ये सत्य है जब मुखरित होता है, प्रखर होता है। यद्यपि सत्य जीवंत है, लेकिन जब सत्य व्यवहारित होता है, व्यवहार में आता है, सत्चित आनंद, इसकी जो मूल सत्ता है कथा की, वो सच्चिदानंद है। आनंदो वै ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म को आनंद कहा गया कि ब्रह्म कुछ और नहीं है, आनंद ही है। कौन सा आनंद? अखंड आनंद, नित्यानंद, प्रेमानंद, सत्यानंद। आनंद तो जगत में भी है, कहा गया जगदानंद, पर वो क्षणिक है, थोड़ा सा है, बहुत ही क्षणिक है, मोमेंट्री है, बहुत थोड़ा सा। या कोई एक आनंद की कुछ अनुभूति होती भी है तो इतनी सी होती है बस, कि पानी पे लकीरें खींचे, खींचते खींचते मिटती जाती है। आनंद अतींद्रिय है, वो व्यक्ति वस्तु पदार्थ दृश्य घटनाओं से परे है। व्यक्ति से आप सुखी होते हैं वस्तुओं से, पदार्थों से, पद से, प्रतिष्ठा से, संग्रह से, संचय से। आपकी जब कीर्ति विस्तृत होती है, उच्च पदस्थ होते हैं आप, जब लोकमान्य बन जाएं, एक शीर्षस्थ और शिखरस्थ अवस्था आपको प्राप्त हो जाए, तब आप हर्षित होते हैं, आनंदित नहीं। आनंद आपका स्वभाव है, जो कभी भी उपलब्ध हो सकता है। आनंदो वै ब्रह्म, उसकी अनुभूति कभी सुषुप्ति में होती है, उसकी एक झलक कभी मिलती है नींद से सुषुप्ति में जाकर। तो जो सुख भौतिकी अवस्थाओं में नहीं मिलता, वो कई बार नींद में मिलता है, नींद से भी गहरे सुषुप्ति में, अपने स्वरूप में। इसे शास्त्र कहते हैं सविज्ञेय, वही जानने लायक है। आत्मनम तो तत्विद्धि, उस सत्य को पहचानिए जो कभी खंडित नहीं होता। इसलिए उसका बोध हो, और जब तक उसका बोध नहीं होगा, जीवन में दैन्य, दुराशा, हताशा, अभाव, दुख, क्लेश, कषाय बने रहेंगे। जब तक उस पूर्ण का बोध नहीं होगा, इसे वस्तुएं कितनी मिल जाए आपको, वो वैभव का बोध नहीं कराते। पदार्थ कितने ही मिल जाए, वो प्रसन्नता का बोध नहीं कराते।
कितनी ही सामग्री और साधन प्राप्त हो जाए, वो संपदा और समृद्धि का बोध नहीं कराते। इसलिए पदार्थों की प्रचुरता, वस्तुओं की बहुलता, भूमि विस्तार, वाहनों की लंबी कतार, अट्टालिकाएं, उच्चस्थ पद आपके अभाव को पूरा नहीं करता। जब तक आप उसे जान नहीं लेते, ऐसा नहीं है कि संसार में रस नहीं है, संसार में रस है, काम में रस तो है ही, पर वो थोड़ा है। काम रस है, उसकी निंदा नहीं है काम अर्थ की, पर इन चार पुरुषार्थों में केवल काम रस के लिए पुरुषार्थ नहीं है जीवन, काम के लिए नहीं है, अर्थ के लिए नहीं है। हमारे यहां पुरुषार्थ बताए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष का अर्थ कहीं चुपके से बैठ जाना नहीं है, सत्य का बोध। इसे जगत की निंदा नहीं है, काम में बड़ा सुख है, काम में बड़ा रस है, लेकिन उसे ही बड़ा रस कृष्ण में है, कृष्ण रस, ब्रह्म रस, राम रस। काम की निंदा नहीं है, कृष्ण में जो रस है, राम में जो रस है, इसलिए श्रुति भगवती कहती है रसो वैसा, वो कोई एक रस है। इसलिए हम हमारा मन रसान्वेषी है, हमारा मन रस का अन्वेषण कर रहा है, पदार्थों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, दृश्यों में, आभूषणों में, परिधानों में, सौंदर्य प्रसाधनों में। जो हमारा मन है वो रस और उसे ये भ्रम है कि रस बाहर है, उसकी ये एक भ्रांत मूढ़ मान्यता है कि बाहर है रस, इसे बाहर ढूंढता है विषयों में। एक मन का और पता है, मन विषयों में ही मिलता है और कहीं नहीं। मेरे से पतंजलि कहते हैं मन को अगर ढूंढना हो कि है कहां मन, तो मन मिलेगा विषयों में और कहीं नहीं। मन विषयासक्त मिलेगा, विषय के भ्रमण में मिलेगा, अन्वेषण में, प्रदक्षिणा में, किसी पदार्थ की प्रदक्षिणा करता हुआ, किसी पदार्थ की प्राप्ति के प्रयत्न करता हुआ, किसी पदार्थ की स्मृति में, किसी पदार्थ की चाह में। तो मन जानते हो क्या है, जो कामना के वशीभूत है, वासना के वशीभूत है, वस्तु और पदार्थ के वशीभूत है, इसलिए नाना प्रकार के यत्न कर रहा है वो, और कहता भी रहता है ये हमारे मनोकामना है, मन इच्छा है, मन वांछा है,